हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब ऐसी ड्रग जो आपके कार्डियो और वैस्कुलर सिस्टम पे वर्कआउट कर सके। ये मैंने सेकेंड ईयर वालों का पढ़ा दिया है, वन शॉट में वीडियो था, लेकिन आपके यहाँ पे क्या है कि ये कई पार्ट में, मीन्स तीन तीन पार्ट में बना हुआ है, तो इसलिए आपका सेपरेट है, प्लस ड्रग्स में भी काफी डिफरेंस है, इसीलिए दोनों का सेपरेट वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक, तो बच्चों ने देखा सर इसी तरह से हमारा फर्स्ट ईयर का भी बनाइए। देखो सारे वीडियो बनेंगे, कोई नहीं बचेगा। मैंने कहा मैं एचएपी तक चालू करने जा रहा हूं, है ना, अभी एचएपी ही चालू करूंगा क्योंकि इससे ज्यादा मैं समय नहीं दे पाऊंगा। तो कार्डियो मतलब आपका हार्ट और वैस्कुलर मतलब वैस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड वेसल्स, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स कहां कहां कैसे चलती हैं, किसके अंदर चलती हैं, ब्लड किसके अंदर जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी पूरी बॉडी में हर सेल तक अगर कनेक्टिविटी किसी की है तो किसकी है, ब्लड वेसल्स की है। जैसे पूरा हमारे चारों तरफ नेटवर्क का जाल, भाई आप फोन करते हो किसी को भी, कोई भी फोन उठा लेता है, कोई वायर नहीं है, है ना, लेकिन अपने यहां वायर्ड सिस्टम है सब, पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक, मीन्स हार्ट पंप करता है और सिर से लेके पैर तक जितनी भी सेल्स हैं सब जगह पे ब्लड पहुंच जाता है। अच्छा, तो ब्लड पहुंच जाता है, ठीक, तो ब्लड पहुंचता है, क्यों पहुंचता है, पॉइंट ये, क्या जरूरत है ब्लड पहुंचने की, जरूरत इसलिए है क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड मैंने पहले भी एक किसी वीडियो में बताया था, ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमंस का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे वफादार सर्वेंट होता है। अगर आप अपने वफादार सर्वेंट का ख्याल रखोगे तो जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब ख्याल कैसे रखोगे, ब्लड का अमाउंट पूरा रखना, जैसे खाना खाते हो, कहते ना क्वांटिटी जरूरी नहीं है, उसकी क्वालिटी जरूरी है, ठीक उसी तरह से ब्लड, ब्लड आपका, आपके शरीर में हेल्दी ब्लड होना चाहिए, मींस क्योंकि ब्लड क्या करता है, कुछ भी आप लेते हो तो सब कुछ सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी हमारे ब्लड के थ्रू, आपने इधर खाना खाया, पेट में जाके डाइजेस्ट होके अब्सॉर्ब हुआ, फिर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर एक सेल में, देखो मैकेनिज्म सेट है कि किसको कितना मिलेगा, बाकायदे बंटवारा हमारा दिमाग करके रखा हुआ है। आप सोचो जितने बार भी खाते हो, जितने घूंट पानी पीते हो, हर बार दिमाग ने ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा फॉर्मूला सेट कर रखा है कि किस सेल को कितने ml पानी चाहिए, हर जगह उतना ही पहुंच जाता है, या किसी सेल को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किसी सेल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, या फिर किसी सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो सेल को चल के नहीं आना है, ब्लड जाएगा वहां से, उस जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है या नाइट्रोजनस वेस्ट है, जाहिर सी बात जो हम खाते हैं सबका सब कुछ, भाई हर रिएक्शन का अपना मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक उसी तरह से हम जो कुछ भी खाते हैं, एक्सक्रीशन क्यों होता है और कहां से होता है, भाई हमने तो खा लिया, जो एब्जॉर्ब होकर डाइजेस्ट हो गया, ठीक हमारी बॉडी में लग गया, लेकिन उसके बाद भी बचा हुआ बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सक्रीट होकर हमारी बॉडी से बाहर चली जाती हैं। तो कुल मिला के ब्लड, हार्ट क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं एक तरफ से, तो जो हमारा हार्ट है वो एक पंपिंग स्टेशन है, जैसे इंजन होता है पानी को पंप करता है दूर तक, है ना, अंदर से पानी निकाल के पानी को पंप करता है, मतलब इंजन आप देखो मजबूत होता है, ठीक उसी तरह से हमारा हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, मींस मसल्स का, मजबूत मसल्स का बना हुआ है, यही एक वजह है लगातार पंप करता रहता है, पंप करता रहता है, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक। और ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, इन सब चीजों के बने हुए हमारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो हर सेल में पहुंचती रहती हैं। इनका काम क्या है, काम यही है कि सब कुछ, सारे तरह के, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हार्मोन्स हो, है ना, न्यूट्रिएंट्स हो, अमीनो एसिड्स हो, इन सब का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, हमारे ब्लड के थ्रू होता है, मींस हमारी बॉडी को नरिशमेंट पहुंचाते हैं हमारी सेल्स को। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, मींस एक ऐसा मैकेनिज्म है कि कहीं पे किसी को किसी चीज की जरूरत है तो हमारा हार्ट पहुंचा देता है। अब अगर इस मैकेनिज्म में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, भाई जाहिर सी बात, हमने क्या कहा, हर सेल को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितना आयरन चाहिए, जितना कैल्शियम चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, जितने विटामिन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मिलता है किसके थ्रू,
ब्लड के थ्रू, ब्लड को पंप करने का काम होता है हमारे हार्ट का। अगर ये सिस्टम किसी तरह से बिगड़ जाए या किसी तरह से कोई समस्याएं आनी शुरू हो जाएं, तो फिर ये होम्योस्टेसिस हमारा खराब हो सकता है। अगर खराब होगा तो बहुत तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे एरिदमिया, आगे हम पढ़ते जाएंगे ये सारे टॉपिक है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन हो सकता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेस्कुलर सिस्टम्स पे होते हैं। वेरियस तरह की बहुत सारी ड्रग्स हैं जो ट्रीटमेंट में, कार्डियोवेस्कुलर अगर डिजीज हो जाती है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत तरह की ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल में आती हैं, जैसे एंटी एरिदमिक ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं, कार्डियोटॉनिक्स हैं, है ना। तो ये सारी ड्रग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक, अब जैसे जो हमारा ये वीडियो है ये पूरी तरह से आधारित है एंटी एरिदमिक ड्रग्स पे। सेकेंड ईयर में आपके कंबाइंड था, लेकिन आपके यहां पे सेपरेट सेपरेट चैप्टर कर दिया है। तो एंटी एरिदमिक ड्रग्स जिसको बोलते हैं, जो क्या है, कार्डियक का एक रिदम होता है, सिस्टोल डायस्टोल इस तरह करके जो रिदम है, ये रिदम एक कांस्टेंट वे में चलता रहता है। अब अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए किसी तरीके से, जिसके बहुत सारे रीजन है प्रॉब्लम आने की, ठीक, सॉरी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरह वो चलते रहते हैं। ठीक, अगर सही से काम नहीं कर रहा है, जिसको हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट्स, है ना। ये कभी फास्ट हो सकती हैं, स्लो हो सकती हैं, इररेगुलर हो सकती हैं, यही क्या है, एबनॉर्मेलिटीज हैं इनका। मींस जो पैटर्न है, आप कभी किसी का ईसीजी देखो, हार्ट का एक पैटर्न होगा कि इतने सिस्टोल, मींस सिस्टोल डायस्टोल, वो अपना रिदम नहीं ब्रेक करता। यही अगर फास्ट हो जाएगा, मींस जो सिस्टोल डायस्टोल ये टू फास्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। और यही अगर टू स्लो यानी कम हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप, ब्रैडीकार्डिया। मींस अगर कम हो गया तो ब्रैडी, अप हो गया, फास्ट हो गया तो टैकीकार्डिया। कैसे होता है, अब देखो यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करो कि ये आपका देखो नॉर्मल हार्ट है। ठीक, नॉर्मल हार्ट का रिदम है, देखो इस तरह से PQRS ये सिस्टम एक चलता रहता है। ठीक, अब इधर इररेगुलर है, देखो यहां पे ये देखो ये किस तरह का पैटर्न, क्या ये पैटर्न कहीं भी ये नॉर्मल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, अब यहां पे देखो कितनी दूर बाद, ये देखो यहां पे कहीं पे ऐसी पीक दिख रही है, नहीं दिख रही, मींस एकदम सेम हो गया, पीक तो आया ही नहीं। ठीक, और अच्छे से समझने के लिए इसमें देखो आप नॉर्मल साइनस रिदम देखिए क्या होता है, ये नॉर्मल है। अब देखो सिस्टोल डायस्टोल का आप कॉम्बिनेशन देखो, एकदम परफेक्ट, एकदम कांस्टेंट वे में चल रहा है। ठीक, अब टैकीकार्डिया हमने क्या कहा, सिस्टोल डायस्टोल जल्दी जल्दी होने लगेगा। अब देखिए यहां पे ये जल्दी जल्दी हो गया। ठीक, अब हम ब्रैडीकार्डिया की बात जब करते हैं, तो ब्रैडीकार्डिया हमने क्या समझाया, ब्रैडीकार्डिया हमने यही समझाया कि ये जो सिस्टोल डायस्टोल है ये बहुत लूज हो जाएगा इस तरह करके, राइट। अब जैसे कि स्ट्रक्चर में पता चल रहा है, देखो इसलिए मैंने नॉर्मल के साथ टैकी प्लस ब्रेडी दोनों को कंपैरिजन कर दिया कि यहां पे अब आपको कोई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह से देख के आप पता लगा सकते हो कि कैसे होता है टैकीकार्डिया, कैसे होता है ब्रेडीकार्डिया। मींस ये क्या है, एंटी एरिदमिक, मींस इनको ठीक करने के लिए एंटी एरिदमिक, ये रिदम को, मींस जो रिदम है, रिदम क्या है, जैसे बोलते ना सारे गामा पा, है ना, तो ये बिगाड़ दो अगर तो क्या प्रॉब्लम होगी ना। तो ये देखो ये रिदम है जो ऊपर वाला है, ये कांस्टेंट रिदम है, ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न जब बदल जाता है तो दो तरह से जैसे बदला, जैसे टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया, और भी सारे पैटर्न है लेकिन वो आपके काम के नहीं है। ठीक, अब कॉजेस क्या क्या और हो सकता है भाई, अगर आपको एरिदमिया या किसी को एरिदमिया हो गया तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। ठीक, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरथायरॉइडिज्म, डायबिटीज, स्लीप एपनिया मींस नींद नहीं आती, है ना। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं भाई, ये क्यों हो जाता है, ये भी तो जानना जरूरी भाई। ये तो डराने वाली बात है कि अगर एरिदमिया हो गया तो ये हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आप मर सकते हो, नींद नहीं आएगी आपको, है ना, कोरोनरी डिजीज हो जाएगी। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। तो भाई क्यों हो रहा है, सबसे कॉमन आज की डेट में स्मोकिंग, दूसरा
भाई लोग सुट्टा लगा देते हैं ना, ड्रिंकिंग कर लेते हैं। अल्कोहल कैफीन बहुत कॉमन ड्रग अब्यूज, किसी ड्रग का एडिक्शन हो जाना। जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी का होना, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और इनकम कम होती चली जा रही है, बच्चों की फीस बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, है ना, आज चल गया कल कैसे होगा, भविष्य की टेंशन, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। किसी किसी को एरिदमिया जेनेटिक्स भी हो सकता, है ना। अब सिम्टम्स ऑफ एरिदमिया, अगर एरिदमिया हो गया तो मतलब कैसे हम पता करें कि ये भाई एरिदमिया का है कि नहीं, तो फटीग और वीकनेस, मतलब कमजोरी, थकान, डिजीनेस, फेंटिंग, बेहोश हो जाते हैं लोग, है ना, रैपिड हार्ट बीट यानी टैकीकार्डिया, शॉर्टनेस ब्रीथ, सांस आराम से गहरी सांस नहीं ले पाते, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, चेस्ट पेन, एंजाइटी, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे पता चल सकता है कि हमें एरिदमिया या किसी पेशेंट को एरिदमिया हो रहा है। ठीक, फिर हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिदमिक ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, इनके मोड ऑफ एक्शन के बेस पे इसका हम करते हैं क्या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो सोडियम आयन को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे क्विनिडिन सल्फेट, इनका मोड ऑफ एक्शन में बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, वो आप लोग कोलोजी का पार्ट है। क्विनिडिन सल्फेट, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, फेनिटोइन सोडियम, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लोराकेन हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे ना। दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, इसमें क्या है, अमियोडेरोन, सोटेलॉल। फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापेमिल, इसकी कट है ना। अब देखो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन की, मोड ऑफ एक्शन की, इंट्रोडक्शन की, अब हम चलते हैं किधर, एक एक ड्रग्स की तरफ, अब आप कहते हो कि भाई सर जी बोर्ड पे ज्यादा अच्छा समझ में आता है, बिल्कुल सही बात है, बोर्ड पे समझ में आता है क्या स्ट्रक्चर। मैं इस पे क्यों लेता हूं, ताकि यहां पे ड्रग्स, नंबर ऑफ ड्रग्स ज्यादा कवर हो जाती है, बोर्ड पे लिखने में बड़ा टाइम जाता है ना। तो फेनिटोइन एक ऐसी ड्रग है जो आपकी कैटेगरी, आपके सिलेबस में, जिसका स्ट्रक्चर यूपीएससी है, जिसको हम लोग देखेंगे किस पे, बोर्ड पे आते हैं किसकी, फेनिटोइन की, है ना, फेनिटोइन की बात करते हैं। अब देखो ठीक है भाई, फेनिटोइन की बात कर ली जाए, फेनिटोइन की बात करेंगे अगर, तो फिर लो भाई कर लो बात फेनिटोइन का, और ये हो गया ऐसे, ठीक, ये हो गया आपका फेनिटोइन का स्ट्रक्चर, बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा कोरिलेशन बताना है। ठीक, और क्या हो सकता है भाई फेनिटोइन, और क्या बन सकता है, ये जानना जरूरी इसलिए है कोरिलेशन, कभी कभी एग्जाम में धोखा दे देते हैं ये लोग। धोखा कैसे दे देंगे, धोखा ये दे दिया कि यहां C6H5 है और यहां पे इन्होंने बेंजीन रिंग लगा दी, क्या लगा दी, बेंजीन रिंग लगा दी। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको ढेर सारा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि भाई हमारे सर ने तो इस तरह पढ़ाया था, यहां तो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए। तो अब बताओ आप, तीन बने एक दो तीन, कहीं कोई डिफरेंस है, ये सारी सेम चीजें हैं, ठीक है, और फेनिटोइन का स्ट्रक्चर है। अब एक खास चीज और, फेनिटोइन के स्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और जान लो, इसमें देखो ये रिंग है, ये रिंग क्या है ये समझना भी जरूरी है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप समझते रहोगे तो आगे चल के आपको बड़ा आराम रहेगा। देखो नंबरिंग की बात करें, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक, कैसे पता चला, नंबरिंग से पता चला। 1 और 3 पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ भाई, हमारा एजा ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं इमिडा जोलिडीन, क्या बोलते हैं, ध्यान रखो खाली, इमिडा जोलिडीन। ठीक, ये हो गया इमिडा जोलिडीन। अब हमने क्या किया, दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया दूसरी पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया भाई, इमिडाजोलिडीन 2-ON हो गया। ठीक, क्या हो गया, इमिडाजोलिडीन 2-ON हो गया। ओके, फिर हमने क्या किया भाई, चौथी पोजीशन पे भी एक डबल बॉन्ड लगा दिया, अब क्या हो गया, 2 3 4, तो 2 4 क्या हो गया, डाई ओन, क्या हो गया, 2 4। देखो क्यों बता रहा हूं, ये अभी समझ में आएगा, इमिडाजोलिन 2 4 डाई ओन हो गया, इमिडाजोलिन
2,4-diione, ये चौथी पोजीशन है। और ये जो ग्रुप है इसी को बोलते हैं हाइडेंटोइन। क्या बोलते हैं? हाइडेंटोइन, राइट। इतना समझ में आया? अब अगर आप हाइडेंटोइन पे पहुंच गए हैं तो हाइडेंटोइन की जो पांचवी पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है, यहां पे आप दो बेंजीन रिंग लगा दो, C6H5 लिख दो या बेंजीन रिंग लगा दो, या बेंजीन रिंग लगा दो, यही आपका हो गया। क्या क्या हो गया? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेनिटोइन। अब देखो हाइडेंटोइन हो गया, हाइडेंटोइन था, यहां पे क्या पांचवी पोजीशन है ना, यानी 5,5-diphenyl हाइडेंटोइन पांचवी पोजीशन पे ना, 5,5-diphenyl हाइडेंटोइन IUPAC हो गया। और अगर करना चाहते हो तो इसको इधर से जोड़ दो। क्या करोगे? 5,5 भाई देखो 1, 2, 3, 4, 5 5,5 क्या है? डाई फेनाइल इमिडाजोलीन, इमिडाजोलीडीन 2,4 पोजीशन पे डाइओन है, 2,4-diol। ठीक, ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका IUPAC। ठीक, तो भाई बात ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक, और ये हो गया आपका IUPAC। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसीलिए हाइडेंटोइन के साथ क्या कोरिलेशन है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि हाइडेंटोइन डेरिवेटिव इसको क्यों बोलते हैं। ठीक, अब एक बात और बात करें हम ब्रांड नेम की, तो फिनाइल टेक, डाइलेंटिन और इप्सोलीन, फिनाइल टेक, डाइलेंटिन और इप्सोलीन इसके फेमस ब्रांड नेम है। फिर बात करें हम प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज में अपियरेंस, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, कैसा? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, क्या होता है? प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल वाटर में होता है, लेकिन इसी का जो सोडियम सॉल्ट है वो फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक, आगे बात करें भाई स्टोरेज की, तो स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है फेनिटोइन हमारा लाइट सेंसिटिव है, लाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है। ओके, ऑफिस यूज की बात करें, ऑब्वियसली एज एंटी कन्वर्जेंट एजेंट, एज ए एंटी एपिलेप्टिक्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ या वेरियस टाइप ऑफ एपिलेप्सी, ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजमेनियल न्यूरलजिया, यानी कि जो न्यूरोनल डिसऑर्डर्स हैं उनके ट्रीटमेंट में इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक, ऑफिशियल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो फेनिटोइन कैप्सूल IP, फेनिटोइन की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, और फेनिटोइन का इंजेक्शन भी आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। हाँ, तो फेनिटोइन के बाद एक छोटा सा फिगर मैंने ऐड किया है जस्ट स्लाइड शुरू करने के लिए, इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। जैसे देखो आपका ये क्या है? हार्ट है ना, ये हार्ट है, और हार्ट को सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट करने के लिए क्या होता है उसमें? ये देखिए मसल्स हैं, क्या है? मसल्स हैं। एक काम करता हूं मैं, पॉइंटर को थोड़ा कलर चेंज करके ग्रीन कर लेता हूं ना, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो भाई ये देखिए, ये मसल्स हैं जहां पे ग्रीन लाइन जा रही है, ये सारी मसल्स है ना, इधर वाले हार्ट पे भी देखो ये सारी मसल्स हैं, कितनी सारी दिख रही आप लोग स्क्रीन पे देखते रहो, तो ये सारी मसल्स हैं जो सपोर्ट करती हैं। ठीक, यानी ये क्या है? आर्टरीज है, सॉरी, ये क्या है? आर्टरीज है, इनके थ्रू ब्लड क्या है? फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक, ये सारी आर्टरीज है, अब ये आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड आराम से फ्लो होगा, लेकिन जैसे ये इसका एक सेक्शन कट किया गया है, ये जो आर्टरीज यहां पे है इन्हीं का सेक्शन कट किया है यहां पे। अब देखो यहां पे नॉर्मली पूरा ब्लड सेल्स वगैरह ब्लड दिख रहा है कि आराम से फ्लो हो रहा है, लेकिन अब इधर दूसरे पे देखिए आप, इधर ध्यान से देखो, ये देखिए यहां पे कुछ डिपोजिशन हो गया है, किनारे किनारे डिपोजिशन हो गया। अब ये जो डिपोजिशन है, इस डिपोजिशन की वजह से क्या ब्लड आराम से फ्लो हो पाएगा? यहां पर देखिए नहीं आराम से फ्लो हो पाएगा, क्यों? क्योंकि जो जिस वेसल से ब्लड आराम से फ्लो हो रहा था उसके किनारे किनारे डिपोजिशन, मींस पहले इतना रास्ता था, उसके बाद क्या है, ब्लड फोर्स से बह रहा है, फिर रास्ता इतना हो गया, धीरे धीरे और कम हो गया है, अब
और कम हो जाने की वजह से क्या होगा भाई, रास्ता पतला हो गया, यानी और ज्यादा फोर्स लगेगा। इसकी वजह से क्या है, एरिथमिया भी हो जाएगा, हाइपरटेंशन भी हो जाएगा, ज्यादा टेंशन, ज्यादा भाई क्यों, जब प्रेशर से जाएगा भाई, प्लस वही फोर्स इतने से जगह के लिए लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये आर्टरीज पे भी प्रेशर पड़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे क्या फील होगा, हाइपरटेंशन होने लगेगा, तो इस वजह से क्या होने लगता है, हाइपरटेंशन, है ना। अब हम नेक्स्ट ड्रग पे आते हैं, दैट इज प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड की बात करें तो ब्रांड नेम है प्रोकेन और प्रोनेस्टिल है इसका ब्रांड नेम, ये दो ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रोकेनामाइड में किसी तरह का कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं है, जहां पे एस्ट्रिक मार्क है उसका स्ट्रक्चर आईयूपीएसी के साथ, ब्रांड नेम, प्रॉपर्टीज, स्टोरेज कंडीशन, यूज, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, ये सारी आपको पढ़नी है। जहां पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है सिर्फ स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नहीं पढ़ना, बाकी सब कुछ पढ़ना है, ठीक। कलर की बात करें तो कलर कैसा है भाई, अपीयरेंस की बात करें तो व्हाइट और येलो कलर का वोलाटाइल लिक्विड होता है, किसका, प्रोकेनामाइड का। ऑर्डर कैसा है, किसी तरह का कोई गंध नहीं है, गंधहीन है, यानी ऑर्डरलेस है। टेस्ट क्या है, बिटर इन टेस्ट है, ठीक। सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर तो फ्रीली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, कैसा, फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल में, मिसिबल होता है अल्कोहल और ईथर दोनों में, ठीक। नोट है एक किस्म खास, इसका जो नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, कैसा, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। जैसे मैं मूवमेंट कोशिश करता हूं इसीलिए ज्यादा करता हूं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते आप नोटबुक लेके बैठो, जानबूझ के मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले देता, नोटबुक लिखो, लिखोगे तो याद होगा, है ना। नेक्स्ट स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोर्ड इन वेल एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स, ये लाइट सेंसिटिव ड्रग्स हैं, यानी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, ठीक। यूज की बात करें तो यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ टैकीकार्डिया, यानी कि सिस्टोल डायस्टोल जो जल्दी जल्दी होने लगता है, हार्ट बीट जल्दी जल्दी होने लगता है, लब डब, दो साउंड होते हैं ना, लब डब साउंड जो होता है वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है सिस्टोल डायस्टोल का, ठीक। मींस इसको क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया, इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, एंटी एरिदमिक ड्रग्स है, यानी कि एज ए एंटी एरिदमिक, कहीं भी एरिदमिया हो गया है अगर तो उसको ठीक करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड की टैबलेट आती है ऑफिशियल्स, जहां भी ऑफिशियल्स लगा है इसको आप फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन समझिए, क्या, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी प्रोकेनामाइड की टैबलेट आती है एज पर बीपीआईपी। प्रोकेनामाइड का इंजेक्शन आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया, ध्यान रखना ये आईपीबीपी में गड़बड़ मत करना, ठीक। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा लोचा लपाचा है, यही एक वजह है कि मैं कहीं नहीं बोलता कि मेरे सब्जेक्ट में आप बुक रेफर करो, जितना मैं बोर्ड पढ़ा दूंगा और पढ़ाऊंगा सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक। तो जितना मैं पढ़ा दूंगा मतलब मोर देन सफिशियंट है, ठीक, इसके बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी वेरापेमिल, जिसको आयोस्पिन, आयोस्टिन भी बोलते हैं, ठीक। इसके ब्रांड नेम क्या है, कैलन, आइसोप्टिन, कोविरा और वेरेलैन, ये इसके क्या है, ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम मैंने बताया ना, ब्रांड नेम याद नहीं होने वाले, उनको एमसीक्यू के थ्रू ही याद कराया जाएगा। अपीयरेंस की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डर किसी तरह की होती नहीं है। टेस्ट कैसा है, बिटर इन टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बहुत फ्रेंडली होता है, सॉल्युबल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म, मेथेनॉल, सब में ये सॉल्युबल होता है। फिर हम स्टोरेज की बात करें, इट शुड स्टोर्ड इन कूल प्लेस, एयर टाइट कंटेनर्स, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एट रूम टेम्परेचर। इसका स्पेसिफिक क्या है, रूम टेम्परेचर पे इसको रखना है, मींस किसी तरह का फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ यूज नहीं करना है, ठीक। यूज की बात करते हैं अगर हम तो यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, यूज टैकीकार्डिया, वेरापेमिल का इस्तेमाल ट्रीट एंजाइना, मींस डिसकंफर्ट ऑफ हार्ट, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल की बात करें यानी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, बार बार रिपीट करता हूं, ऑफिशियल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दोनों एक ही चीज है। वेरापेमिल की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, वेरापेमिल का इंजेक्शन आता है एज पर आईपी, वेरापेमिल हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्ग रिलीज की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। प्रोलॉन्ग रिलीज बोले या एक्सटेंडेड रिलीज, है ना, ये का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनका बढ़ जाता है, कई बार ये डबल लेयर टैबलेट्स में भी ये बनाई जाती हैं, ओके। फिर नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो दैट इज क्विनिडीन सल्फेट। क्विनिडीन सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट एंटी एरिदमिक ड्रग है,
एंटी मलेरियल ड्रग भी। अगर कहीं से क्विनिन नहीं मिलता है किसी कंडीशन में, तो क्विनिन की जगह हम क्विनिडीन का इस्तेमाल करते हैं ना। तो क्विनिडीन सल्फेट के फॉर्म में या सॉल्ट फॉर्म में है, क्विनिडीन भी पूछा जाता है, क्विनिडीन सल्फेट भी। तो कभी कभी सोडियम सल्फेट, क्विनिडीन सल्फेट है ना, जैसे फेनिटोइन सोडियम, ये सब पूछा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज आपकी वही है। तो ब्रांड नेम की बात करें तो कार्डियोक्विन, क्विनिडॉक्सिन और नेटाकार्डिन, ये इसके क्या है, ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम देखते ही पहचान में आ जाएंगे। अपेयरेंस की बात करें, व्हाइट निडिल लाइक क्रिस्टल होते हैं। कैसे, निडिल की तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, गंधहीन होता है, टेस्ट कैसा है, तीखा होता है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉल्विबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, और स्लाइट सॉल्विबल होता है वाटर, यानी वाटर में इसकी सॉल्विबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक, नोट खास क्या है इसमें, इट डार्केंस ऑन एक्सपोजर टू लाइट, मींस अगर लाइट में एक्सपोज कर दिया जाए तो इसका जो कलर व्हाइट निडल लाइक है ये क्या हो जाता है, ये डार्क कलर का हो जाता है, मींस अपना कलर क्या करता है, डार्क हो जाता है, फिर क्या पहचान में नहीं आता, आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर लाइट से प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात लाइट सेंसिटिव कंटेनर होगा। यानी स्टोरेज की बात करें, कूल प्लेस पर रखा जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, दो चीजें हैं, या तो ऐसी जगह आप रखो जहां तक लाइट ना पहुंचे, या फिर ऐसा करो कि लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, जैसे हम बर्ड कलर्ड बॉटल्स की बात करते हैं ना। यूज की बात करें तो जाहिर सी बात है एंटी अरिदमिक एजेंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो एंटी अरिदमिक एजेंट्स अरिदमिया में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्विनिडीन लास्ट ईयर में, कि क्विनिडीन कैसा है भाई, एंटी अरिदमिक है, एंटी एंजाइनल है ना, एंटी मलेरियल है। तो याद रहे, तुरंत लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे एंटी मलेरियल है ना, लेकिन ध्यान रहे कि क्विनिन इज द एंटी मलेरियल, क्विनिडीन इज नॉट क्विनिडीन, लेकिन क्विनिडीन का हम इस्तेमाल करते हैं अगर क्विनिन नहीं मिला तो, बट मेनली क्विनिडीन क्या है, एंटी अरिदमिक ड्रग्स है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। ओके, फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर एरिदमियाज, सुप्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स किधर है, नीचे की तरफ है ना, तो HAP जब हम पढ़ेंगे, तो जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वहां पे पढ़ेंगे, तो कंप्लीट डिटेल हार्ट के बारे में बताएंगे, एक एक लेयर, और कहां पे आपका जो है वेंट्रिकल्स है, कहां पे बाइकस्पिड, कहां पे ट्राइकस्पिड, कहां पे किसे मिट्रल वॉल बोलते हैं, किसे जो है पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, सारी बातें उसमें डिटेल में की जाएंगी, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, अब टैकीकार्डिया, ट्रीटमेंट ऑफ टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया क्या, सिस्टोल डायस्टोल जल्दी जल्दी होता है। दूसरा क्या है, डिप्रेस मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी, मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी अगर मींस जल्दी है, इट मींस सिस्टोल डायस्टोल जल्दी हो रहा है, अगर इसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो कैसे होगा, मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी क्या काम की जाएगी, मींस नॉर्मलाइज की जाएगी। ओके, यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू क्विनिन इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इफ क्विनिन इज नॉट अवेलेबल, अगर क्विनिन नहीं है तो क्विनिडीन का इस्तेमाल ठीक करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में। अगर हम ऑफिशियल की बात करें तो ऑफिशियल क्या भाई, क्विनिन बाइसल्फेट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्विनिन सल्फेट एज पर IPBP। ओके, तो नेक्स्ट ड्रग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लिडोकेन बताऊं मैं आपको कि बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, और ये बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक होती है। कैसी, लोकल एनेस्थेटिक होती है, लेकिन एंटी अरिदमिक एक्शन भी इसका होता है, इसीलिए इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड नेम की बात करें तो ओटेक, जाइलोकेन, लिडोजेट और जिंगो, ये इसके क्या है, ब्रांड नेम है। कहीं पे भी जैसे दांत वांत किसी को निकलवाना है तो लोकल एनेस्थेटिक की तरह मोस्टली जाइलोकेन का इंजेक्शन लगता है ना, जैसे दांत मींस लोकल एरिया जितना है वो क्या हो जाता है, एनेस्थेसाइज हो जाता है। खैर, हमें यहां पे ट्रीट करना है एज ए एंटी अरिदमिक एजेंट। ओके, प्रॉपर्टी की बात करें तो अपेयरेंस कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डर होती नहीं इसमें, यानी कैसा, गंधहीन है, टेस्ट तीखा होता है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो बहुत फ्रेंडली है, सॉलिबल इन वाटर, एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म होता है। ये भी जो है लाइट सेंसिटिव है, लाइट के एक्सपोजर जब होता है तो ये डार्क कलर हो जाता है। देखो, मैं बोल सकता हूं कि लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड है, जहां पे देखो मेरा मेनली काम क्या है, स्ट्रक्चर IUPAC समझाना, ये नोट्स क्यों, क्योंकि ये नोट्स एक जगह बुक में आपको मिलेंगे नहीं, ये मैं कलेक्शन करके यहां पे दे देता हूं, है ना। फिर हम स्टोरेज की बात करें, इट शुड स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, क्योंकि लाइट सेंसिटिव है, कलर डार्क हो जाता है। अगेन, जितने भी एंटी अरिदमिक ड्रग्स हैं सबका वही सेम ट्रीटमेंट, एंटी अरिदमिक एजेंट की तरह है। मैंने पहले बताया लोकल एनेस्थेटिक,
प्रोड्यूस्ड डेंटल एनाल्जेसिया, मीन्स दांत में दर्द हो रहा है हो या दांत निकालना हो। लोकल एनेस्थेटिक का क्या काम है? पर्टिकुलर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के जितने भी मोटर नर्व्स हैं या सेंसरी नर्व्स हैं उनको क्या ब्लॉक कर देना। जब ब्लॉक कर देंगे तो मैसेज नहीं पहुंचेगा, मीन्स पेन का आभास नहीं होगा। मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ट्रीटमेंट ऑफ टाइकिकार्डिया। ठीक, इट ऑल्सो प्रिवेंट द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियक एरिथमिया। ठीक है, फिर ऑफिशियल की बात करें तो कैसा है, लिग्नोकेन का इंजेक्शन आता है जो मैंने बताया अभी, डेंटल एनाल्जेसिया वगैरह में या दांत निकालने वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिडोकेन की आई ड्रॉप आती है आंख में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, इवन लिडोकेन के जेल्स आते हैं। ठीक, तो बेसिकली इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है कैसा, लिडोकेन का लोकल एनेस्थेटिक, बट इट हैज एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। फिर बात करते हैं लॉरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड, बड़े अजीबोगरीब नाम है लेकिन बट क्या है हमको पढ़ने हैं। तो रेमिवॉक्स, लोरिवॉक्स है ना, ये क्या है, इसके ब्रांड नेम है। काफी समय लगा ये सारी प्रॉपर्टीज ब्रांड नेम ढूंढने में, क्योंकि बुक्स में डिटेल सारी अवेलेबल नहीं है। अपेरेंस की बात करें तो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, गंधहीन होता है, टेस्ट तीखा होता है। बड़ी देर से हम लोग जो भी ड्रग्स पढ़ रहे हैं सबकी प्रॉपर्टी अप्रॉक्स सेम है, जैसे कि ऑर्डर और टेस्ट तो लगभग लगभग सबका सेम आ रहा है ना। सॉलिबिलिटी क्या है भाई, सॉलिबल इन वाटर, इथेनॉल और डीएमएसओ में। ये क्या है, सॉलिबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है डीएमएसओ। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट, एंटीरिदमिक एजेंट है, यूज में डिप्रेस मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी, यूज ट्रीटमेंट ऑफ टैकीकार्डिया और क्या, प्रिवेंशन ऑफ वेंट्रिकुलर रिदमिया, जिसको क्या बोलते हैं कार्डियक रिदमिया, इनके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिशियल की बात करें तो लोराकेनाइड की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, लोराकेनाइड का इंजेक्शन आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ, अमियोडेरोन या एमिडॉक्स, एमिडॉक्स भी बोलते हैं अमियोडेरोन को। ठीक, इसकी बात करते हैं तो कॉर्डेरोन, एल्डोरोन और नेक्स्टेरॉन, ये क्या है, इसके ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट चीज क्या आती है, अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसा है, वाइट और ऑलमोस्ट वाइट, फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट या ऑलमोस्ट वाइट, मींस ऑफ वाइट भी हो सकता है, कुछ और थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता कलर, यानी कह सकते हो ऑलमोस्ट वाइट मतलब वाइट कह सकते हो, है ना, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, गंधहीन है यानी ऑर्डरलेस, और टेस्ट कैसा है, बिटर, जैसे कि सिमिलरिटी है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल ड्रग्स की चेंज हो रही है, बट बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं, मींस इसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है, तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, लगभग सेम है, और केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल इसकी चेंज हो रही है ना, फ्रीली सॉल्युबल होता है डाइक्लोरोमीथेनॉल और मीथेनॉल में, ये क्या है, फ्रीली सॉल्युबल है। ठीक, स्टोरेज की इसकी बात करें तो स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट, बट जहां पे आप स्टोर करके रखते हो वहां का टेंपरेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेंपरेचर शुड नॉट बी एक्सीडिंग अबव 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर हम यूज की बात करें, सेम यूज, एंटी अरिथमिक एजेंट, डिप्रेस मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ टैकीकार्डिया, यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रा वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकुलर एरिथमिया, जिसको बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। फिर ऑफिशियल की बात करें तो अमियोडेरोन की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, अमियोडेरोन की आईवी इन्फ्यूजन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, अमियोडेरोन का सॉल्यूशन आता है एज पर आईपी, क्या, एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, लास्ट ड्रग है सोटेलॉल्स, जिसको और क्या बोलते हैं भाई ब्रांड नेम में, सोटेकोर, सोरीन, बीटापीस, सोटेगार्ड एंड सोटेलॉर। ठीक, ये इसके ब्रांड नेम है काफी सारे, और काफी सारे याद करने भी जरूरी हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाइट, क्रीमी, मींस ये ऐसी जगह है जहां पे नॉलेज के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, यहां पे कंप्लीट ऑथेंटिकेटेड, अगर आपने लिख लिया तो आपका काम 100% हो जाएगा। वाइट और क्रीम वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर अगेन कॉमन, ऑर्डरलेस एंड टेस्ट इज बिटर, बहुत फ्रेंडली है, मींस सॉल्युबल इन वाटर। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट, है ना, एट रूम टेम्परेचर,
यूज की बात करें, अगेन सेम कार्डियक अरिथमिया, मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी ट्रीटमेंट ऑफ टैकीकार्डिया, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमिया, जिसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक अरिथमिया। ऑफिशियल की बात करें तो सोटेलॉल टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, सोटेलॉल का इंजेक्शन आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, सोटेलॉल का सॉल्यूशन आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो इट इज ऑल अबाउट एंटी एरिथमिक ड्रग्स, यानी एंटी एरिथमिक एक पार्ट है जो पूरा हो गया। ओके, तो आगे बढ़ नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।